दोस्त, नेपाल की टीम ने क्रिकेट के मैदान पर रचा इतिहास। आपको बता दें, नेपाल की टीम ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी भी टीम ने नहीं किया। बता दें, T20 में सबसे बड़ा स्कोर बनाया और T20 में सबसे तेज सेंचुरी बनाई, और इसके बाद हाफ सेंचुरी भी अब नेपाल की टीम के नाम हो चुकी है। तो दोस्तों, बताएंगे क्या है पूरी खबर, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे। और साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूले, जिससे आपको ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सारी लेटेस्ट खबरें आपको सबसे पहले मिले। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, चीन में एशियन गेम खेले जा रहे हैं, जिसमें नेपाल की टीम ने तूफान मचा दिया और रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी। दरअसल T20 में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अब नेपाल की टीम के नाम हो चुका है। आपको बता दें, नेपाल की टीम ने मंगोलिया की टीम के खिलाफ 314 रन बनाए, जिसमें कुशल मल्ला ने मात्र 34 गेंदों का सामना करते हुए अपना शतक ठोक डाला, और जबकि दीपेंद्र सिंह ने 9 गेंदों में ही सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। आपको बता दें, नेपाल की टीम ने इस मैच में सबसे ज्यादा 26 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। आपको बता दें, कुशल मल्ला ने 50 गेंदों का सामना करते हुए 137 रन की धमाकेदार पारी खेल डाली, जिसमें 8 चौके और 12 छक्के शामिल हैं। तो वहीं नेपाल की टीम के कप्तान रोहित पडोल ने 27 गेंदों में 61 रन बनाए। उसके बाद जो मैदान पर तूफान आया वो देखने लायक था। आपको बता दें, दीपेंद्र सिंह ने महज 10 गेंदों का सामना करते हुए 52 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली, जिसमें 8 छक्के शामिल हैं। बता दें, दीपेंद्र सिंह ने युवराज सिंह के रिकॉर्ड की बराबरी भी की, लेकिन वे इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाए। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि नेपाल की टीम आने वाले समय में बड़ी बड़ी टीमों को टक्कर देगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में कीमती राय जरूर देना। धन्यवाद।